मैं तो हिंदी पढ़ के आई नहीं थी, विदाउट पढ़े मतलब अपने पहले के एक्सपीरियंस से बहुत 50% ऐसी थी जैसे लग रहा था कि बिना पढ़े भी जो आया है। मैं 50 क्वेश्चन बगैर पढ़े ही ला सकता है, एकदम इजी। जो पढ़ा शादी थी तो मैंने नहीं पढ़ा। रीडिंग करिए, नीचे पढ़ करके आंसर मिला करके मार दीजिए। वो बस इतना ही समझिए कि जो पढ़ा है उसका सब पढ़ाई बेकार, बिना पढ़े वाला भी उतना ही लाएगा, पढ़े वाला भी उतना ही। मतलब अप्रोक्सीमेट हम तो एक दिन भी हिंदी का नहीं पढ़े थे, अप्रोक्सीमेट 60+ ही आएगा। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार दरोगा का आज मेंस का एग्जाम था, ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं आज पहली पाली की एग्जाम जो हिंदी की परीक्षा थी वो देकर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की खुशी थी। जी हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि इस बार का एग्जाम बहुत ही बेहतर गया है और इस बार पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो नंबर सबको सेम आने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वो छात्र कह रहे हैं, आप खुद सुनते जाइए। ऐसा था, 50% ऐसी थी जैसे लग रहा था कि बिना पढ़े भी जो आया होगा वो बना अच्छे से बना लिया होगा। कैसा गया? बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें जो है ना बस 50 क्वेश्चन क्वालिफाई करना है, 33 नंबर लाना है। इसमें 50 क्वेश्चन बगैर पढ़े ही ला सकता है, एकदम ईजी। लेकिन जैसा सोचे थे उससे अच्छा गया? बहुत अच्छा। हिंदी का पेपर बढ़िया गया जैसा सोचे थे? उस बहुत हल्का, मॉडरेट नहीं, बहुत हल्का हद से ज्यादा। कह रहे कि पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, हिंदी का जरूरत ही नहीं। जो पढ़ा वो बस इतना ही समझिए कि जो पढ़ा है उसका सब पढ़ाई बेकार, बिना पढ़े वाला भी उतना ही लाएगा, पढ़े वाला भी उतना ही। 5 या 10 नंबर का वेरिएशन होगा बस। कितना मार्क्स आ जाएगा आपको? मतलब अप्रोक्सीमेट हम तो एक दिन भी हिंदी का नहीं पढ़े थे, अप्रोक्सीमेट 60+ ही आएगा। 60+ 100 में? हाँ, 50 तो उसमें देख के उसी को पढ़ के उसी को मार देना, अभी बाकी तो हाँ है एकदम। चलिए आप देखिए कैसा रहा हिंदी का पेपर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा सोचे थे या ये कह रहे हैं कि पढ़ने का जरूरत ही नहीं? हाँ सही बोल रहे हैं वो। सही बात है, सही बोल रहे हैं। हाँ 50 नंबर, हाँ सब पास करें। चलिए तो आप लोग का हिंदी पेपर कैसा गया? अच्छा गया, अच्छा। जैसा सोचे थे? हाँ ठीक है। इसका एग्जाम ज़्यादातर गद्यांश के क्वेश्चन दिए गए थे, 50 क्वेश्चन अप्रोक्स थे उसमें, जो गद्यांश में से क्वेश्चन जो बना रहा था, और 50% जैसा सोचे वैसा हुआ एग्जाम या उससे हाँ, अच्छा? अच्छा ही है, हिंदी पेपर क्वालिफाइंग पेपर एक्चुअली, इसमें 30 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। सही गया। कितना आ जाएगा? अबाउट 70 के आसपास आना चाहिए। 70 के पास आ जाएगा। हाँ जी, जैसा सोचे थे वैसा आया। हाँ, पेपर सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, मेरी शादी थी तो मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा, बिना पढ़े आ जाएगा? पहले का पढ़ा था, बीच में डिस्टर्ब हुआ। पहले का पढ़ा हुआ था। गद्यांश ज्यादा था, 60+ आना चाहिए। क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। पैसे ज्यादा पूछा हुआ था, उससे सबको पास मार्क आ जाएगा। चलिए आप लोग का बताइए, आप लोग पास मार्क है सबको आ जाएगा इस सब। आप लोग बताइए कैसा गया हिंदी का पेपर? बहुत अच्छा रहा। जैसा सोचे थे उससे भी ईजी रहा, उससे भी अच्छा। हाँ, खाली सिर्फ पैसे टाइप जैसा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई मीन मतलब कि पैसे ज्यादा दिया हुआ था इसलिए सबको ईजी लगा बनाने में। हिंदी के लिए पढ़ना पड़ा कि नहीं? क्योंकि जितने लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कि हिंदी के लिए पढ़ना नहीं पड़ा। पढ़ना तो नहीं पड़ा, बस सब लोग हिंदी क्षेत्र का है इसलिए तो हिंदी तो इजी लगेगा। एग्जाम का प्रिपरेशन तो करना ही होता है ना, क्वेश्चन कैसा आएगा ये पता नहीं चलता है ना। इस बार का जो क्वेश्चन था ना बिल्कुल अलग था, क्योंकि गद्यांश का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे कि विद्यार्थी एकदम से श्योर हो जाएगा कि वो पास होगा ही, ऐसा था इस बार का क्वेश्चन। लास्ट टाइम से भी अच्छा क्वेश्चन था इस बार, मतलब ईजी था। कितना मार्क्स आ जाएगा इसमें? पास करना था सिर्फ, 60 नंबर का पासिंग मार्क्स है, 60 नंबर ही लाना था, पास करना था। बस पास करना है, पासिंग क्वेश्चन। हिंदी में गद्यांश से लगभग 8-10 गद्यांश था, पर गद्यांश से 2 से 3 अटके नहीं, मतलब हिंदी में कहीं लोग अटके, इसमें लगभग सारे सॉल्व कुछ हाल। हाँ, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था हिंदी पेपर, तो उसमें 30 मार्क्स लाना जरूरी है, 30%, तो 10 से 12 गद्यांश था, बाकी पर्यायवाची था, विलोम शब्द था, और जो है संज्ञा सर्वनाम, ये सबसे क्वेश्चन था 2-3 करके बस। ये कैसा गया हिंदी पेपर? हिंदी बहुत बढ़िया गया है, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है, जो CBSE से है उसको थोड़ा बहुत होगा। का हम लोग का गद्यांश हुआ, साहित्य पेपर अब ऑलरेडी शुरू से ही आदत रहती है पढ़ने की, BSE भी बोर्ड में थोड़ा सा इसमें ढिलाई होता है, उस सबको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन गद्यांश ज़्यादा पढ़े हुए उनको दिक्कत ही नहीं होता। नहीं, उसको दिक्कत ही नहीं है, कहा कि आपको 30% लाना ही है, मात्र 200 में 60 नंबर लाना है। 200 में? हाँ, 200 में, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क है, मेन एग्जाम अगला है उसमें आपको मेरिट बनेगा, इसमें सिर्फ पास ही है। तो आपने छात्रों को सुना, आपने सबके मुंह से एक बात जरूर गौर की होगी कि इस बार का जो
क्वेश्चन था वो काफी लाजवाब और शानदार था, जो बच्चे बिना पढ़े भी गए होंगे वो भी बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ये तो अब रिजल्ट आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि अभी छात्रों के चेहरे की संतुष्टि और खुशी देख के तो यही लग रहा है कि इन्होंने मैदान में झंडा गाड़ दिया है। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।